रानी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। किल्लोद उद्वहन सिंचाई योजना में छूटे हुए गांवों के नाम जोड़े जाने की मांग उठी है। किसान आज खंडवा पहुंचे और इन्होंने यहां इस मांग को प्रमुखता से उठाया। कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह के साथ पहुंचकर इन्होंने यहां अफसरों से गुहार लगाई है। इनका कहना है कि हमें इस योजना का लाभ मिले, इसलिए हमारे गाँव का नाम भी जोड़ा जाए। बिल्लोद सहित अन्य कई गांव ऐसे हैं जिनका नाम शामिल नहीं है और इस योजना के लाभ से ये गांव वंचित हो रहे हैं। ऐसे में इनका कहना है कि पहले भी हम खूब प्रभावित रह चुके हैं और अब जब हमारे पास सिंचाई परियोजना आई है तो उसमें हमारे गांव को छोड़ा जा रहा है। अफसरों से गुहार लगाई गई है कि NVDA के अफसरों और निर्माण कंपनी को साथ में लेकर चर्चा की जाए। इस बारे में कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, किल्लोद लिफ्ट के संबंध में हम आए थे और किल्लोद लिफ्ट में बहुत से एरिया है, बिल्लोद, झागरिया, आपका कुक्षी, बलियापुरा, मालूद, इनमें जो लिफ्ट इरिगेशन का पानी नहीं आ रहा है, इसके लिए किसान लोग आज यहाँ आए थे। बात यह है कि कल हमारी लक्ष्मी जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे भी बात हुई थी। उनका यह कहना है कि हमारा 10,000 हेक्टर का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हो गया है और आगे जो है इस संबंध में आप NVDA और ऊपर बात करें। कल NVDA वालों से भी हमने बात करी और आज हमने कलेक्टर साहब से भी बात करी। कलेक्टर साहब किसी कारण से यहाँ नहीं है और उनने जो है मोबाइल से उन पर संपर्क कर और उनने जो है NVDA वाले जो ई है तिरकी जी उनसे बात करी है और कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर पटवारी, NVDA के जो अधिकारी और जो संबंधित किसान जिन जिन के हमने नाम नंबर दिए हैं उनसे समय लेके और मौका मुआयना करेंगे और निराकरण करने के लिए उनने ये कहा है कि हम 3-4 दिन में ये करके और ऊपर इसको भेजेंगे। बात यह है कि जो कंपनी है वो काम करके तो चली जाएगी और बाद में ये किसान घूमते रहेंगे। पहले भी ये डूब प्रभावित एरिया रहा है और डूब से लगा हुआ जो जितने भी गांव हैं उससे लगी हुई जमीन है, ये ज़मीनें सब वंचित रह रही है। और इसके पहले भी किसानों को मुआवजा मुआवजा वाली समस्या थी मानदाता विधानसभा में, तो लेकर देखिए ये तो इंदिरा सागर ओमकारेश्वर का डूब प्रभावित एरिया रहा है और इन लोगों ने जो खास करके मानदाता ने जो है देश हित में अपनी ज़मीनें दी है और वही लोग आज जो है बिजली पानी से वंचित हैं। इसी को देखते हुए वर्तमान सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो किसान हैं जिन लोगों ने आज पूरे मध्य प्रदेश में बिजली जिनके कारण मिल रही है वो लोग पानी और उससे वंचित है। और आज ये देखिए, आज अब मूंग का समय बेचने का समय आया तो 8:30 पे आ गए, आज 7,500 पे कपास पहुँच गया है। तो किसान का जब उपज बेचने की बारी आती है तो उसके भाव कम हो जाते हैं। तो ये जो सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है। किसानों को जब फायदे की बात करेंगे, हम आय दुगनी करने की बात करेंगे तो आय दुगनी तो ठीक है, पानी भी नहीं मिल रहा है और जो फसल है उसका दाम भी नहीं मिल पा रहा है। तो हमने जो आज कलेक्टर साहब से बोला है, उनने 3 दिन के समय में उनने कहा है कि हम जो है NVDA और उनके पटवारी को भेजेंगे, नहीं तो किल्लोद ब्लॉक में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा क्योंकि कंपनी काम करके चली जाएगी और बाद में किसान परेशान हो। नहीं तो इनके गांव छूटे हुए हैं या कोई त्रुटि हुई है क्या वजह? सर बता रहे हैं कि कार्य क्षेत्र में नहीं है। नहीं, इसका उनका ये कहना है कि हमने 10,000 हेक्टर का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था और 10,000 हेक्टर का हमने काम कर दिया है। तो तुमने 10,000 हेक्टर का काम कर दिया पर किसानों के हित के लिए योजना बन रही है ना, तो जो 10,000 से ऊपर अगर बच रहा है, कोई एरिया आ रहा है तो उसके एक्सटेंशन करे, कमांड एरिया का एक्सटेंशन करके और ऊपर प्रपोजल भेजे, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, ये तो कोई बात ही नहीं है।
चुनावी मुद्दा भी रहेगा ये? नहीं नहीं, चुनावी मुद्दा तो है कोई वाली बात नहीं है। बात ये है कि किसानों के खेत में पानी जाना चाहिए और ये कंपनी तो अभी काम करके चली जाएगी, चुनाव को तो 7 महीने हैं, फिर हम किसको ढूंढने जाएंगे? अभी अगर एक्सटेंड होगा, टेंडर एक्सटेंड होता है और वो काम कर देती है तो किसानों को फायदा हो जाएगा, बाद में किसको पकड़ने जाएंगे? फिर से ABCD होगी, फिर से पूरा नया टेंडर होगा, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे मान के चलो, ये जैसे अभी बलियापुरा, कुक्षी, बिल्लोद, झागरिया, ऐसे मिला के 40-50 हेक्टर तो यहाँ हो गया, कुंडिया बलिया ऐसे ऐसे लगभग वहाँ पे 21-22 गांव है, ऐसे मिला के मान के चलो 500,000 हेक्टर के आसपास की जमीन होगी। और बात यह है कि इसे भी गांव में पूरा कार्य नहीं किया हमने, नहीं गांव में भी जाते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा कर करके लोगों को आश्वासन नहीं दे रहे। श्यामलाल राठौर मालूद, मैं तहसील संघ का किसान संघ से अध्यक्ष हूँ, किल्लो तहसील का जी। तो कल मेरे पास अपने बिल्लो से और बलियापुरा से 2-4 किसान आए थे, उन्होंने बताया, बोले कंपनी का कार्य ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्ण हो चुका है और हमारे गांव में किसान छूटे हुए हैं। तो मालूद, बलियापुरा, कुक्सी, भरमलाय, कुंडिया और बिल्लो, झागरिया आदि गाँव में सैकड़ों किसान छूटे हुए हैं। इन्होंने ये बताया कि हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है, परंतु जब किल्लो के लिए पूरे किल्लो ब्लॉक के लिए वो धुन बनी है तो इसमें किसान छूट क्यों रहे? इसका एक्सटेंशन लो या कुछ भी करो, आप संपूर्ण किल्लोद ब्लॉक के किसानों को मतलब इसका लाभ मिलना चाहिए। कहीं मालूम नहीं, 2-4 किसान छोड़ दिए, कहीं बिल्लोद में छोड़ दिए, झागरा छोड़ दिए, तो फिर दूसरे किसान क्या करेंगे? दूसरी आप करोगे क्या? नहीं हुआ। दूसरी बात इन्होंने 48 एकड़ के ऊपर एक पेटी लगाई है, उसमें से 4 पॉइंट दिए, 4 के इन्होंने 8 पॉइंट बना दिए, तो उसमें क्या करेंगे? लूज पाइप देने का बोल रहे, तो मेरे हिसाब से 2000 फीट तक भी इसमें से ये पेटी से पानी जाएगा, तो किसान 2000 फीट दूर पे है और वहाँ पे 8 पाइप ये ऊपर से बिछा के, तो वो किसान क्यों जाने? वहाँ तो सड़क बन जाएगी, तो ये पाइप हर किसान के खेत में उसकी शुरुआती मेड़ के ऊपर 2 इंच पाइप दबाए जाएं, अन्यथा ये योजना फेल हो जाएगी। अभी अपने क्या बोलते हैं, नंदगांव योजना ऐसे ही प्रकार से वहाँ घटिया काम हुआ है, इसी प्रकार यहाँ पर घटिया करके चले जाएंगे और किसान जीवन भर रोते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से कार्य अभी इसकी तुरंत जाँच होना चाहिए और सभी किसान और प्रत्येक किसान के खेतों तक पाइप दबाए जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और प्रत्येक किसान को इसका लाभ मिलना चाहिए। हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित, बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर। समृद्धि टाउनशिप पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा।